हाई सो तो कैसे आप सब एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर अभी रीसेंट ये जो स्क्रीन पे तो आप फोटो देख रहे हैं तो ये बेसिकली एक पुरानी प्रॉपर्टी थी हरिद्वार उत्तराखंड की और इसमें जो है एलिवेशन हमें डिज़ाइन करना था और इसमें आप देखिए कि सबसे पहले देखेंगे इसमें जो साइज ये मैंशन हो रखे हैं ये देखिए ट्वेंटी फोर इंचज हो गया दैन फिर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नाइन्टी टू इंचीज़ हो गया एंड ये ट्वेंटी फोर इंचीज हो गया और गेट जो है आपका नाइन्टी फोर इंचज़ है तो ये मेजरमेंट जो हमने जो है यहाँ पर ले ली थी बेसिकली पुरानी प्रॉपर्टी थी तो और इसमें जो है कुछ फ्रंट में चेंजेस हो रहे थे तो उसके बाद हमें एलिवेशन जो डिज़ाइन कर करके देना था तो सारी डिटेल जो है शेयर करेंगे फिर उसके बाद फाइनल जो आउटलुक है वो किस तरीके से निकल के उसके ऊपर भी जो हम बात करेंगे जैसे कि इससे पहले वाली फोटो में हमने बात करी थी ग्राउंड फ्लोर के बारे में तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका इसका फर्स्ट फ्लोर और बेसिकली इसमें देखिए सबसे पहली चीज तो ये की है ना पूरा जो है वो क्लासिकल और ट्रेडिशनल थीम पे बना हुआ है aprox पांच से आठ साल पुराना जो है घर था और इसमें देखिए ये जो आपका डला हुआ है ना ये डला हुआ है ऊपर जो स्लैब जो सर्कुलर शेप में डला हुआ है तो इनका ये मन था कि इस साइड में जो फ्रंट पे जो है ना ये पूरा कवर करके ना यहां पर डालेंगे ये टॉयलेट और टॉयलेट डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से वेंटिलेशन और इसमें देखिए जितने भी यहाँ जो देख रहे हैं आर चीज आपको दिख रहे होंगे दिख रहे होंगे तो ये जो है सब रिमूव करने थे ये रिमूव करने थे विंडोज के भी जो आपको दिख रहे हैं कर्व इसको रिमूव करके जो है वो हमें मॉडर्न थीम में जो है जाना था जो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना इस पोर्शन ना मैं थोड़ा सा और डिटेल में जो आपको समझाता हूँ कि बैल्कनी का जो वो क्या साइज़ था एंड ये जो पोर्शन है किस तरीके से था तो इसके समझने के लिए हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन में अब देखिए सबसे पहले तो फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट जो है पूरे घर का ट्वेंटी फिट के अराउंड था ठीक है फिर बैल्कनी जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो बैलकनी थी वो थी एट्टी सेवन इंचज की और फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये जो बेल्कनी ये वाली बैल्कनी जो थोड़ी सी जो है वो देख रहे हैं कि पीछे थी ये देखिए अगर मैं आपको दिखाता हूँ और इसके जो राइट हैंड साइड में जो पैलगनी है थोड़ी सी जो आगे निकली हुई थी और ये जो 95 फाइव इंचेस की थी और इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग जो स्लैब आ रहा था जिसके बारे में अभी हमने बात की थी जो हल्का सा जो है वो घूम करके आ रहा था तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो दे रखे थे और बीच का जो गैप आप देख रहे हैं ट्वेंटी थ्री इंचज था तो इस तरीके से ये जो डिटेल्स है ये भी जो है आपको पता चल गई होंगी कि किस तरीके से जो है बैल्कनी में जो है थोड़ा सा जो आगे पीछे का वेरिएशन था और उसके बाद बैल्कनी में जो ब्रिक पैटर्न यहाँ पर जब वो हो रखा था तो इससे जो आप काफ़ी अच्छा समझ गए होंगे इसकी डिटेलिंग के बारे में और अभी जो हमने डिटेलिंग की बात करी थी ना वो हमने इस डिटेलिंग की बात करी थी ये जो आप देख रहे हैं बैलकनी फिर ये जो है बालकनी और ये जो है आपका ब्रिक पैटर्न हो गया ये यहाँ पर और इसमें देखिए ये वाली बैलकनी थोड़ी सी जो आगे निकली जो हमने बात करी थी और ये जो है जो एक्जिस्टिंग जो स्लैब मैंने आपको दिखाई थी लिखी हुई तो इस तरीके से हमने जो है इन सब पार्ट्स की जो है ये भी बात करी थी देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल लुक में अगर घर बना हुआ है उसको अगर आपको मॉडर्न थीम में लेके जाना है ना अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना मैं सिंपली सबसे पहले तो इसमें इन आर्चिस को खत्म करना है और ये वाला तो आज खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब पूरा जो इसको कवर करेंगे टॉयलेट बना के तो ऊपर ही वेंटिलेशन आ जाना है इसको हमें जो है ख़त्म कर देना है इसको खत्म कर देना है और ये विंडो का आर्च को भी खत्म कर देना है और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है ये देखिए यहाँ तक तो पूरी स्ट्रेट ही है विंडो खाली ये वाला जो आर्ज है इसको जो है हम खत्म कर देंगे और ये विंडो जो है कुछ इस तरीके से ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप की बन जाएगी और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे सेम इस तरीके से यहाँ पे भी करेंगे जब गेट देख रहे हैं तो गेट में भी आपको कर्व नज़र आ रहे होंगे तो इन कर्व्स को भी जो है हम खत्म कर देंगे और ये जो आपका एम का जो देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे भी देखिए ये फिर अगेन यहाँ पर जो है कर्व यहाँ पर बना हुआ है तो ये जो फोटो देख रहे हैं ना ये सबसे राइट हैंड साइड में खड़े होकर के यहाँ से बैलकनी से फोटो लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये वाली बालकनी जो है वो आगे निकले वाली बैलकनी थोड़ी सी कम है और इस व्यू से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल और आपको जो है आइडिया लगेगा कि फर्स्ट फ्लोर से जो किस तरीके से चीज दिख रही है लेकिन ये जो आप देख रहे हैं स्लैब ये वही स्लैब है जिसके बारे में अभी हमने बात करी जो तो अब हम चलते फाइनल आउटकम की तरफ जो कि इनका निकल के आया तो आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही सोबर ही हमने इसमें टेस्ट रखा हुआ है सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो बेल्कनी थी यहाँ पर तो इस बेल्कनी को तो ऑब्वियस ही खत्म होना ही था क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीट कवर करके इसको टॉयलेट यहाँ पर आना था तो इसमें जो है आप देख सकते हैं जो विंडो है ना ये विंडो आपको जो है वो आपकी सात फीट के लेवल से ऊपर दे रखी है रीजन उसका क्या है कि अब इस तरीके से अगर हम देंगे तो यहां पर जो है इसे नीचे वाला जो पूरा स्पेस है वो के लिए जो भी आप स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं इधर जो है यहाँ आप पर आपका एग्जॉस्ट फैन आ जाएगा एंड ऊपर जो है यहाँ पर ये ग्लास की रेलिंग जो है वो आ गई है एंड फिर आप देख सकते हैं कि इसमें आपका हो गया ये गेट और यहाँ पर देखिए आपका बाउंड्री वॉल में ये जो आप देख रही है आपका एचपीएल या फिर टाइल दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं या आपका एमएस का पाइप्स यहाँ पर जो है वो हो गए और ये भी आप देख सकते हैं टाइल हो गई और ये भी देखना जो ब्रिक पैटर्न की जो क्लाइडिंग यहाँ पर यूज़ हो रखी है तो ये भी जो है आपकी टाइल्स ही हो गई और सारी विंडोज है हमने बिल्कुल स्क्वायर शेप की ले रही है और अगेन ये भी जो है आपके देख सकते हैं ग्लास की ही रेलिंग यहाँ पर दे रखी है और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये भी आपका एच पी एल या फिर आप टाइल में ले सकते हैं और ये है ये भी जो आपकी है आपकी टाइल है या फिर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वो रस्टिक या फिर टेक्सचर पेंट भी कर सकते हैं तो इस तरीके से ओवरऑल जो एलिवेशन है जिसको कि हमने कम्प्लीटली चेंज किया ट्रेडिशनल लुक से मॉडर्न लुक में तो उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी उस बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर डालता है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम